ऑनलाइन क्लास में ये सेकेंड ग्रेड के छात्रों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का एक विशिष्ट स्थान और विशिष्ट स्थान उसकी दिग्विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को लिए हुए एक ऐसे शासक ने एक ऐसे युग में अपनी साम्राज्यवादी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए विशाल सेना के निर्माण के लिए उसने एक नई नीति को अडॉप्ट किया ताकि वो अपनी विशाल सेना के संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह हम सबको विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था और उसकी योजनाएं थी विश्व विजेता बनना। यद्यपि दिल्ली के जो काजी थे उसके मित्र थे, उन्होंने उस युग की परिस्थितियों को समझाते हुए इस योजना को तो उन्होंने शिथिल कर दिया, लेकिन भारतीय क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना उसने लक्ष्य रखा। और जैसा कि हम समझते हैं कि उसने न केवल उत्तरी भारत बल्कि दक्षिण भारत को भी विजय प्राप्त की, तो इतनी बड़ी युद्धों को लड़ना उसके लिए विशाल सेना की आवश्यकता है। और विशाल सेना की आवश्यकता के लिए समृद्ध कोष की आवश्यकता। समृद्ध कोष को कैसे पूरा करें इसके लिए उसने विभिन्न आर्थिक सुधार किए, जैसे भू राजस्व की दर जो अब से पहले 1/4 के आसपास ली जाती थी उसने 1/2 कर दी, और वो भी किसके माध्यम से? जींस के माध्यम से। दूसरा, उसने बहुत सारे करों को लगाया, चलिए कर करी कर। उसी प्रकार से युद्ध की जो लूट थी उसमें सैनिकों और सम्राट उसका जो अनुपात था उस अनुपात को उसने परिवर्तित कर दिया। इन सब व्यवस्थाओं के बाद भी उसकी विशाल सेना के लिए आर्थिक संसाधन सीमित थे, तो उसने एक ऐसे युग में नई व्यवस्था को जन्म दिया और वो थी बाजार नियंत्रण। उसकी ये सोच थी कि कम से कम वेतन में अधिक से अधिक सैनिकों को रखा। अब कम से कम वेतन से कैसे सैनिकों को संतुष्ट किया जाए, तो उसने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की और उसके अनुसार अगर मूल्यों पर नियंत्रण, बाजार पर बाजार में दैनिक आवश्यकताओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाए तो सीमित वेतन में भी सैनिकों को संतुष्ट किया जा सकता है। इसलिए उसने उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके अपने साम्राज्य में लागू किया, विशेष दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बाजार को नियंत्रित किया जाए, बाजार को मूल्य वृद्धि किसी प्रकार से नहीं होती। और मैं ये समझता हूं कि जो ये प्रणाली है, ये प्रणाली आज के युग में भी प्रासंगिक है कि कैसे एक शासन व्यवस्था बाजार को ही नियंत्रित, यानी मूल्य वृद्धि को अगर नियंत्रित की जाए, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित की जाए, तो किसी न किसी प्रकार से आपको वेतन में वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर भी उसने और उसने दैनिक आवश्यकताओं के हिसाब से तीन तरह के बाजारों का निर्माण कर दिया। एक खाद्यान्न बाजार जिसको मंडी कहते हैं, दूसरा कपड़े का बाजार सराय और तीसरा मवेशी का बाजार। यानी इन तीनों ही बाजारों में जो जो मूल्य थे उन मूल्यों को उसने सीमित कर दिया। खाद्यान्न में जो भी वस्तु थी उस वस्तु में गेहूं, चावल, मूंग, जो भी दैनिक खाद्यान्न की आवश्यकता की वस्तु थी उनके निर्धारित मूल्य निर्धारित कर दिए गए, इससे अधिक कोई भी व्यापारी नहीं ले सकता। इसके लिए उसने सहना एक मंडी नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया और एक अलग विभाग स्थापित किया जिसे दीवाने रियासत कहते हैं, और उसके नियंत्रण में सारी की सारी व्यवस्था को रखा गया। गुप्चर व्यवस्था प्रारंभ कर दी, बुरी मुनिया इस तरह गुप्चर छोड़ दी कि कोई भी व्यापारी किसी प्रकार से अधिक मूल्यों की मांग करता तो उसको दंड दिया जाए। ऐसी की ऐसी व्यवस्था उसने सराय कपड़ों में भी कर दी गई,
यदि भी बहुत सारा कपड़ा बाहर से आता था तो उसके लिए उसने ये की थी कि सरकार की तरफ से व्यापारियों को जो हानि हो रही थी उसकी सरकार भरपाई करे, लेकिन जो उपभोक्ता था, कंज्यूमर था, उसको सीमित दाम, उस निश्चित मूल्य पर ही उसको सामग्री आवंटित की थी। इसी प्रकार से घोड़े और मवेशियों की, तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूरदर्शितापूर्ण नीति से मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित कर, ये बहुत सारे डिबेट है कि क्या उसकी पॉलिसी सफल हुई या नहीं हुई, या दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में सफल हुई कि नहीं, वो सारी की सारी बातें अलग है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और उस कोशिश में काफी हद तक सफल रहा। और चूंकि वो योग्य और कठोर शासक था और उसने दंड की व्यवस्था भी कठोर रखी, ऐसी स्थिति में उसकी जो मूल्यवृद्धि थी उस मूल्यवृद्धि को उसने रोका और उसके कारण यह हुआ कि वो सीमित वेतन से ही अपनी सैनिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल रहा। और जिससे क्या हुआ, उसको कम आर्थिक संसाधन देने के बाद एक विशाल जो सेना है उसका निर्माण हुआ और उस विशाल सेना से अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को उसने पूर्ति की। तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण नीति है वो काफी हद तक सफल रही, और न केवल सफल रही, वो प्रासंगिक भी थी और एक ऐसे युग में इस तरह की नई आइडियोलॉजी को अपने शासन में चलायमान करना ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वपूर्ण दूरदृष्टापूर्ण शासक थे।